नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 30 जुलाई 2019 का टॉप 20 क्वेश्चंस, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष अप्रैल जून तिमाही में किस बैंक को 1908 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक। ठीक है, चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स। वन लाइनर करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, तो आसानी से आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश टीम का कौन सा विकेट कीपर वनडे क्रिकेट के 6000 रन पूरे करने वाला बांग्लादेश का पहला विकेट कीपर बन गया है, बल्लेबाज बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मुशफिकुर रहीम। अगला फ्रेंड्स कि 23वें प्रेसिडेंट्स कप के कितने किग्रा इवेंट में बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 51 किग्रा के इवेंट में जो है मैरी कॉम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स मिस डेफ वर्ल्ड 2019 कौन है। तो मिस डेफ वर्ल्ड जो है 2019 का विदिशा बलियान है। ठीक है, अगला है मिस्टर डेफ 2019 का खिताब किसने जीता। तो फूमे लेला मापुकाटा। ठीक है, फूमे लेला मापुकाटा जो है ये मिस डेफ्ट वर्ल्ड का खिताब जीता है, मिस्टर का। ठीक है, और मिस का विदिशा ने जीता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है किस भारतीय संस्थान ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कार्लटन यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है फ्रेंड्स, और मोंटपेलियर बिजनेस स्कूल जो कि फ्रांस में है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय प्रबंधन संस्था कलकत्ता ने। ठीक है, अगला फ्रेंड्स कि विश्व में जो है हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला है जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो 5% कर दिया है, पहले 12 था अब हो गया 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स कि INS तर्कस किस देश की नौसेना दिवस परेड में भाग लेने पहुंचा है। तो रूस। INS तर्कस जो है फ्रेंड्स वो नौसेना के जो परेड में जो भाग लेने के लिए जो है रूस के जो है पहुंचे हैं। ठीक है, अगला फ्रेंड्स किस देश ने उपग्रहों को ले जाने वाले पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया है। तो चीन ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स ये 7वीं आर्थिक गणना किस राज्य में शुरू होने वाली है। तो 7वीं आर्थिक गणना जो है त्रिपुरा राज्य से जो है राज्य में शुरू होने वाला है। अगला है साहब 3 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया। तो ईरान ने जो है किया साहब 3 नामक, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसे। अगला है फ्रेंड्स किस देश ने पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जॉर्डन ने किया है। ठीक है, पानी के भीतर ही सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है जॉर्डन ने। देखिए अगला फ्रेंड्स, अगला है मेरे भाई प्रेस कि वॉयस एक्ट्रेस का निधन 26 जुलाई 2019 को हुआ। ठीक है, किसका निधन हो गया, तो रस्सी टेलर का हुआ। ठीक है, रस्सी टेलर का जो है ये निधन हो गया 26 जुलाई 2019 को। अगला फ्रेंड्स निधन वाला है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद कर लेना भाई। अगला फ्रेंड्स कि पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है जिसका 28 जुलाई 2019 को हैदराबाद में निधन हो गया। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा जयपाल रेड्डी। अगला फ्रेंड्स कि थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज कौन थे। तो वह है आशीष कुमार। ठीक है, जो कि 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे। ठीक है, आशीष कुमार। अगला फ्रेंड्स कि अमेरिका रूस चीन और भारत के बाद कौन सा देश हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने वाले देश में शामिल हो गया। तो फ्रांस। ठीक है, इससे पहले जो है 4 ही देश थे, अमेरिका रूस चीन और भारत, अब जो है फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया है। अगला है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज चार्ल्स लैंगवेल्ट और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी को किस क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स दिल्ली के बाद किस शहर को BCCI ने रणजी क्रिकेट टीम का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है। तो दिल्ली के बाद जो है चंडीगढ़ को, ठीक है, रणजी क्रिकेट टीम का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है। और आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
देखिए अगला है, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो है विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको 30 जुलाई 2019 का टॉप 20 क्वेश्चंस कराया, उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए और एक छोटा सा जो है टारगेट जरूर फिक्स कर लीजिए कि आपको दिन भर में क्या करना है, क्योंकि मैं आपको मॉर्निंग जो है करंट अफेयर्स दे देता हूँ कि आप लोगों को 29 जैसे कि मैं आज आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कल का जो घटना होता है वो हुआ रहता है, ठीक है। भले उसका नाम 30 जैसे कि मैं आप लोग अभी देख रहे हो तो आप लोगों को लग रहा होगा 30 जुलाई का ये करंट अफेयर्स है, लेकिन नहीं, ये 29 तारीख को जो भी हुआ रहता है वो 30 तारीख को पब्लिश होता है, तो इसलिए हम लोग इसे जो है 30 जुलाई का करंट अफेयर्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग पेपर भी पढ़ते हो फ्रेंड्स, तो कल का न्यूज़ जो है आज पढ़ते हैं तो उसको जो है हम लोग कहते हैं ये आज का ही पेपर है, यानी कि ये कल का न्यूज रहता है हम लोग आज पढ़ते हैं। उसी तरह करंट अफेयर्स भी होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं अभी देख रहे हैं तो ये जो है 30 जुलाई के लिए बोला गया है, लेकिन ये 29 जुलाई का ही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।